हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज है अमावस्या और हम जा रहे हैं अपने देवता पर जोत लगाने के लिए। और आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे देव। ये देखिए, शिवजी का नंदी आ गया है और हम इसको रोटी दे देंगे। ले आजा, आइए पल वाले। ले बाय। कहीं पर खाता नहीं है रोटी? ठीक है, ऊपर भी बैठ जाओ। मैं मेरे हाथ ठीक है रहे ना, ये जब ना खाते कहीं पर ना खाते। वो देखिए, अब हम चल दिए हैं देवता पर जोत लगाने के लिए। और सुबह सुबह कितना ही सुहाना मौसम है। और देखो, खेतों में धानों की प्योद तैयार हो रही हैं सबकी। थोड़े दिन में सबके धान लग जाएंगे खेत में। हेलो गाइस, ये देखिए लेता नहीं। तो मैं भी चल देती हूँ। देखिए, हम प्रसाद लेके आए हैं घर से, रोटी सब्जी और हलवा बना के लाए हैं देवता के लिए। और देखो, ये देखो कितना ही सुंदर, कितना ही क्यूटली पेड़ है। इसमें अमरूद आ रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो देव के पापा दे रहे हैं अमरूद में पानी। देखो, टेबल थोड़ी दूर है और अमरूद का पेड़ थोड़ी दूर से है। तो देखो कैसे दे रहे हैं पानी। देखिए गाइस, आज चल रहा है खेतों में पानी और धानों की तैयारी। ये देखिए, हरी लगा रही है धान। देखो कितना सुंदर पानी। पहले ही वो खड़े में पिया करते हैं पानी। तीनू कितने खराब हो रहे हैं ना खेती। ये पानी चलता है ना जो तेज चल जाता है। धीरे धीरे लगा लेगी जोत। ये गंदी आँख में ना लग जाए। तानी ध्यान रखियो, कुत्ते रोटी ना ले जाए। प्रसाद यहाँ ला के रख दे डोली भी। और वो दे देंगे देव के पापा जी रोटी। देवता पे से आए हैं और लगा देंगे हम देव के टिक्का। और आप चलेंगे सतकुंभा, वहां खाएंगे बर्गर गरम गरम। ठीक है, गुस्सा नहीं करते बेटा बर्थडे वाले दिन। तो देव के लगा दिया हमने टिक्का, क्योंकि देव हो रहा था गुस्सा, वो देवता पे गए ही नहीं था। महाराज की जय। एक बार और, देवता महाराज की जय। ये देखिए, देवता पे भंडारा कर रहे हैं लोग। आओगा ना और पक्का आइए। आज बड़ी वो मावस है ना उसकी। आज ये 11 बजे। यह है सतकुंभा मंदिर। ये सात कुओं के नाम से सतकुंभा मंदिर नाम पड़ा है इसका। ये प्राचीन मंदिर है और कहते हैं कि यहाँ पे कभी रावण भी नहाने आया था, स्नान करने आया था।
और ये बहुत ही कई सालों से प्रसिद्ध मंदिर है ये। तो देखिए यहाँ पे स्नान घाट बना हुआ है जहाँ पे रावण ने कभी स्नान किया था। तो ये कई हजार सालों पुराना मंदिर है और यहाँ की बहुत मान्यता है, कहते हैं कि यहाँ पे जरूर स्नान करना चाहिए। और देखिए जैसे ये लोग सारे स्नान कर रहे हैं, तो देव ने और चिन्नू ने भी स्नान किया क्योंकि हम तो घर से नहा के आए थे, ये नहीं नहा के आए थे, तो इसलिए ये भी नहा रहे हैं सतकुंभा मंदिर में। कहते हैं कि यहाँ सात कुएं थे इसके अंदर, इसीलिए इसका नाम सतकुंभा मंदिर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई हुई है, यहाँ पे बहुत पुराना शिवलिंग है, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। तो देखिए गाइस अब भर लेते हैं हम जल, अपने नंदी को स्नान कराएंगे और शिवलिंग को स्नान कराएंगे इस जल से। तो देखिए गाइस ये है प्राचीन शिवलिंग, ये कई हजार साल पहले का शिवलिंग है जो यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। ये हैं शिव के नंदी, तो हम दोरानी जिठानी दोनों मिलकर शिव के नंदी को स्नान करा देते हैं। तो देखिए हमारे भोलेनाथ के नंदी कैसे बैठे हैं। ये हैं गुरुओं की समाधि, जो बहुत प्राचीन बड़े बड़े गुरु थे उनकी यहाँ पर कई समाधि बनी हुई हैं जिनको लोग पूजते हैं और जल अर्पित करते हैं और प्रसाद भी अर्पित करते हैं। और यहाँ से शुरू होती है बड़े बड़े गुरुओं की समाधि की परिक्रमा, जो सभी लोग परिक्रमा करते हैं पूजा पाठ करने के बाद। तो देखिए हम भी परिक्रमा लगा रहे हैं गुरुओं की अपने। तो अब ले लेते हैं हम सभी प्रसाद। तो पंडित जी बोले बेटा आ जाओ प्रसाद ले लो, तो हमने ले लिया है यहाँ पंडित जी पे प्रसाद। तो हम पॉलीथीन ले आते हैं क्योंकि हाथ में गिरेगा प्रसाद, इसलिए पॉलीथीन में डलवा लेते हैं सभी का प्रसाद। तो चलिए गाइस इसमें ना तेल डले करते काला तेल। देखिए पुराने बुग्गी के पहिए दूर से दिखा थोड़ा, गाड़ी के गाड़ी बोलते बैलगाड़ी बैलगाड़ी के पहिए, ये निशानी के तौर पे रखे हुए हैं ये। और ये पुराना पीपल का पेड़ है आजा।
चाची आप कहो भी तो नहीं को यहां पर हनुमान बाबा टोकरी डाली है। चिन्नू आ जा आगे चिन्नू के से आ गए हैं हम अपने घर। और देखिए तुलसी में जोत मैंने सुबह लगाई थी पर ये हवा के कारण बुझ गई थी, एक बार फिर लगा देते हैं। और ये लाई थी मैं सतकुंभा से जल, तो चढ़ा देते हैं तुलसी में। ठीक है गाइस, कल हम शॉपिंग करके लाए थे, जब से ही बच्चे टी शर्ट पहनने पे हैं और गंदी कर करके मशीन में गेरने के हैं। तो देखिए ये टी शर्ट लाए थे, देख अभी पहनेगा। गुर वो जो एक कलरफुल थी वो ब्लैक में, वो लाया नहीं तू? हाँ लाया नहीं क्या वो? ये देख क्या है। अच्छा इसमें है पजामे क्या? परी दिखा जल्दी माँ, ऐसे ऐसे बस जल्दी दिखा। अच्छा सूज दिखा अपने उठा के। तो देखिए ये लेके आया है कैप्री। कैप्री तो ऐसे ही कैप्री वगैरह पजामे वगैरह कई दर्जन हैं, कई जोड़ी हैं। ये देखिए पागल हो चुका है लड़का। ओह देखिए बच्चे शॉपिंग करके कितने ही खुश होते हैं। और देखिए तो देखिए गाइस आज दोनों भाइयों का फेशियल चल रहा है, बड़ा कर रहा है छोटे का फेशियल, फिर करेगा छोटा बड़े का फेशियल। वाह वाह वाह, ये कहते हैं कि मुंह की केयर करनी चाहिए थोड़ी सी, तो करो बच्चों करो। देखिए तेरे मुंह पे पड़ा फर्क है, देखो इसने ब्लीच करी है, करवाई है देवू से। और ये मेरी फुक्की बांध रही फुक्कड़ फुक्कड़ सी, आज तो बर्थडे है। कै साल का हो गया? कितने साल का हो गया? 14 का होके 15वीं साल में लग गया ये, है ना? जवान हो गया हमारा बच्चा, पर मूछ दाढ़ी अभी नहीं आई। सही है नहीं आए तो अच्छी नहीं लगती। ये देखिए गाइस देव का फेशियल फाइनली पूरा हो गया है। अब लास्ट में हमने लगा दिया है इसके गौरव ने फेस पे एक पैक और आंखों पे रख दिए हैं खीरे। तो देखिए आईब्रो कितनी मोटी मोटी हो गई है। सड़गा खीरा फिसल गया, आए हाय 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 बोल मत दे। तो ये है गौरव सिंह यादव, इन्होंने करा है देव का फेशियल। साथ साथ पार्लर का भी काम सीख लिया। आइए मेरे पार्लर में। तो अब हम करेंगे गौरव का फेशियल। मेरा भी कर दिया हम, पहले रोटी खाएंगे। तो रुक जा एक मिनट रुक जा, अभी लेके आती हूँ। तो गाइज आज बना लेते हैं हम दाल, क्योंकि हमने कल बनाई थी मटर पनीर और आलू गोभी, उनमें पड़ा था मसाला, खा के हमारा जी ओब गया है। तो अब बनाएंगे सिंपल सी दाल। तो चलिए गाइज बना लेते हैं सिंपल सी दाल। और ये लड़का कह रहा है मम्मी आज मेरा बर्थडे है कुछ बना लो। तो मैंने कहा बेटा आप ना ऑर्डर करके बाहर से मंगवा ले, हम तो खाएंगे नहीं क्योंकि मसालों वाली चीज हमें पसंद नहीं। कुछ मंगा ले जो कुछ खाना हो, खा लेंगे। पाव भाजी मंगा ले, कुछ तो मंगा ले मेरे। पिज्जा मंगा ले, मोमोज मंगा ले। हैप्पी बर्थडे टू यू, ताली बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या चीज? सुन तेरे आपके कपड़े आ गए, सुन तो आपके नए कपड़े लिया, बता क्या चीज आपने? कपड़े लिया आया, शूज लिया आया। और आप कुछ मंगा ले खाने के लिए। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, केक भी आ जाएगा ना ऑर्डर पे। तो मैं लगा लेती हूँ शाम की जोत। तो देखिए गाइस देव का आ चुका है पिज्जा। तो देव अपने घर में ही पार्टी मनाएगा पिज्जे के साथ। तो चलिए
कैसा देवा। और इसमें है मोमोज, है ना, मोमोज बाद में खोलेगा क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे। और इसमें क्या बेटा, प्लेन डोसा। इसमें है प्लेन डोसा, तो चलिए खा लेने देते हैं देव को पिज्जा, क्योंकि आज है इसका जन्मदिन। जन्मदिन आपको मुबारक हो। तो गाइस आज बनाए हैं मैंने दाल चावल, तो मैं लगा देती हूँ अपने लड्डू को भोग। छोटे लड्डू को भी खिला देंगे। तो आ जाइए गाइस, आप भी गर्मा गर्म दाल चावल खा लीजिए। और यहाँ पे देव के पापा भी खाना खा रहे हैं, देखिए क्या खा रहे हैं, चावल और दाल और शक्कर। अच्छा है मिक्स, मुझे नहीं मिलता ऐसा खाना शक्कर वक्कर। अच्छा देखो गाइस, आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो गाइस अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस अब हो चुकी है रात, अब हम करेंगे आराम। तो ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।